हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शुरू में बात करने वाले MT-15 के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। अब आपको पता है दोस्तों कि जब हम कोई बाइक लेते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है कि हमें कौन सी बाइक के साथ में जाना चाहिए और कौन सी बाइक हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोनों बाइक के बीच में आज के इस वीडियो में MT-15 के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगी कि अगर आप MT-15 ले रहे हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेज एंड क्या क्या डिसएडवांटेज फेस करना पड़ सकता है आगे टाइम पर चल के। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। सो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं MT-15 के एडवांटेज के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि MT-15 आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ खरीदने वाले खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि बाइक का प्राइस कितना है। आपको पता है दोस्तों, MT-15 जो है ये आप लोगों को एक्सरूम प्राइस अराउंड, ये बेस मॉडल है ना, 1,70,900 रुपीज़ के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसमें तो आपको क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों ये बाइक आपको ऑन रोड प्राइस अराउंड लगभग 2 लाख रुपीज़ के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। ध्यान है कि हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। बाकी आपके यहाँ इसका क्या प्राइस है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों MT-15 में आपको सबसे पहला जो एडवांटेज देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों इस बाइक की पावर। देखिए, आप लोग हमेशा ये सोचते हो और आप लोगों की तरह मैं भी पहले भी सोचता था कि भाई MT-15 जस्ट 155 cc बाइक, 155 cc की बाइक है, बट इतना अच्छा परफॉर्मेंस इसे कैसे निकाल कर देती है। उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इस बाइक की VVA टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं वेरिएबल वॉल्यूम इक्वेशन। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि इस बाइक की जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है ना वो बहुत अच्छी निकल के आती है और ये 200 cc की बाइक को पूरा टक्कर दे पाती है। तो इस वजह से दोस्तों जो है MT-15 की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। भले इसमें पावर आपको सिर्फ और सिर्फ 18.4 का मिलता है, 14.2 का मिलता है, हालांकि ये भी पावर बहुत है लेकिन 200 cc से कम है काफ़ी, लेकिन फिर भी ये 200 cc को पूरा टक्कर देती है। उसका पूरा क्रेडिट जाता है दोस्तों इन लोगों की VVA टेक्नोलॉजी को। ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको बाइक में मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का इंजन। अब देखिए, आपको पता है कि जब हम एक बाइक ले रहे हैं तो भाई हम ये सोचते हैं कि भाई उसकी इंजन क्वालिटी कैसी होगी। खासकर जब बाइक लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंजन क्वालिटी, क्योंकि वही चीज़ जो है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए यार। बाकी सारा फीचर वीचर खराब हो जाए तो चलेगा, बट बाइक चलनी चाहिए। आपको पता है कि यमाहा एक जापानीज ब्रांड है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो जापानीज टेक्नोलॉजी है उनकी जो इंजन क्वालिटी है वो आपको बहुत तगड़ी देखने को मिल जाती है। अब दूसरी बाइक से कंपेयर कर लो, इंजन क्वालिटी आपको जो है जापानीज की बहुत अच्छी मिलेगी और मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं कि आप अगर MT-15 लेते हैं तो आप एक काफी लॉन्ग लास्टिंग बाइक ले रहे हैं। तो इस बाइक का जो नेक्स्ट एडवांटेज यानी सेकेंड एडवांटेज था दोस्तों इस बाइक का इंजन। बात कर ले नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का माइलेज। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि इंडियन मार्केट में आजकल जो पेट्रोल का प्राइस है वो कहां तक पहुंच चुका है। भाई पेट्रोल का प्राइस काफी ज्यादा पहुंच चुका है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों हमारे लिए जो माइलेज है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। MT-15 मिनिमम आप लोगों को लगभग 42-45 के आसपास का जो माइलेज है इजीली निकाल कर दे देती है। अब वो डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे, हर किसी के चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बट फिर भी आपको ये 40 के आसपास का जो माइलेज है इजीली निकाल कर दे देती है। तो ये भी एक बाइक का काफ़ी अच्छा एडवांटेज आपको मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का फीचर्स। देखिए, इंडियन मार्केट में ऐसा ना दोस्तों कि अभी जो है फीचर्स भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, हर बाइक में अगर पावर है तो उसके साथ साथ लुक है, तो लुक के साथ साथ में हमें फ़ीचर भी चाहिए। तो MT-15 में जो फीचर है ना वो भी आपको देखने को मिल जाता है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस बाइक में जो है काफ़ी अच्छे जो फीचर है वो आपको देखने को मिलते हैं। फीचर्स की भी जो कमी आपको बाइक में नहीं मिलती, तो ये भी एक आपको बाइक में काफ़ी अच्छा जो एडवांटेज है वो आपको बाइक में मिल जाता है। बात कर ले इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की सस्पेंशन। अब दोस्तों MT-15 की जो सस्पेंशन है ना वो भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक में आपको फ्रंट में USD फोक सस्पेंशन मिलता है, रियर में आपको बाइक में मोनोसोक सस्पेंशन मिलता है। दोस्तों सस्पेंशन के मामले में भी ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है।
अब देखिए दोस्तों, जब आप इसे राइड करेंगे तो आप और भी अच्छी तरीके से फील कर पाएंगे। मैंने तो राइड किया है, मैं जानता हूँ इसके जो सस्पेंशन है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाता है। बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में दोस्तों, तो इस बाइक की ब्रेकिंग। अब ऑब्वियसली बात है भाई कि हम एक फीचर वाली बाइक ले रहे हैं, हम एक परफॉर्मेंस वाली बाइक ले रहे हैं, हम एक अच्छी इंजन वाली बाइक ले रहे हैं, तो उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए ब्रेकिंग। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक की जो ब्रेकिंग है ना, वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है जी दोस्तों। इस बाइक की जो ब्रेकिंग है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी जी दोस्तों। काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिलती है इसमें आपको। डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। फ्रंट में 282 mm की प्लेट है, रियर में 230 mm की प्लेट है, 220 mm की। तो बाइक की जो ब्रेकिंग है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों इसके नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई आप बड़ी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट उसे पालोगे कैसे। ये बात जो है ना कहीं सच भी है, सही भी है, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ को खरीदना आसान है लेकिन उसे पालना बड़ी बात है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक को आप लोग ना इजीली पाल सकते हो भाई। क्या ही मेंटेनेंस मांगेगी ये बताओ, कोई बड़ी बाइक होती तो समझ में आता। तो बाइक का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपको काफ़ी लो देखने को मिलता, तो ये भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज आपको बाइक में मिलता है। बात करते हैं दोस्तों बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो मिलता है दोस्तों आपको इस बाइक का कम्फर्ट। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, MT15 जो है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल बाइक है जी दोस्तों, काफ़ी कम्फर्टेबल बाइक है। आप इसे कम्फर्टेबल राइड कर सकते हैं। आपकी हाइट डिपेंड करता है, सॉरी थोड़ा हाइट भी डिपेंड करता है, बट फिर भी आप इसे कम्फर्टेबल राइड कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लाइट वेट भी है और नेकेड बाइक है तो कम्फर्टेबल रहेगी। तो भी बाइक का एडवांटेज आपको बाइक में मिलेगा। बात कर ले इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का फीडबैक। अब देखिए ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उसका रिव्यू देखते हैं, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे कोई बाइक हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को इस बाइक में आपको जो फीडबैक है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है जी दोस्तों, काफ़ी अच्छा इसका फीडबैक है। आप किसी चार लोग से पूछेंगे तो आपको यही बोला जाएगा कि इसका जो फीडबैक आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और आपको बाइक आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। तो इस मामले में भी ये जो बाइक है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, बात कर ले दोस्तों इस बाइक के अब डिसएडवांटेज के बारे में, कि बाइक में आपको कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं, तो भाई आप वो भी जान लीजिए। आपको बताना चाहूँगा बाइक में आपको जो सबसे पहला डिसएडवांटेज मिलता है वो मिलता है दोस्तों इस बाइक की सीटिंग। देखिए सीटिंग मतलब क्या कह रहा हूँ, इसका पिलियन सीट। बाइक की जो पिलियन सीट है ना भाई, जिसका जो है सबसे पहला डिसएडवांटेज है। देखिए जो पिलियन सीट है ना दोस्तों, वो भाई बहुत ज़्यादा छोटी है। छोटी वजह होने की वजह से क्या होता है कि भाई आप ना जो सेकेंड पर्सन यानी कि पिलियन पर्सन को बैठा लेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है भाई। देखिए कोई बंदा या लड़की आराम से बैठ सकती है, बट फैमिली पर्सन को काफ़ी इशू होता है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है दोस्तों इस बाइक का वेट। देखिए इस बाइक का वेट जो है उसका एडवांटेज भी और इसका एक डिसएडवांटेज भी, क्योंकि जब आप हाईवे में चलेंगे और बड़ी गाड़ी आपके बाजू से जाएगी तो बाइक थोड़ी सी हिल जाती है, तो ये भी एक छोटा सा डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। बाकी सारी चीज़ें बाइक की अच्छी है। बाकी आपको कैसी लगती है MT15 आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुमित करता हूँ एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, अच्छी लगी कुछ अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू और जय हिंद वंदे मातरम। 155 cc